हाँ तो वह ठीक रहे, पूजा उजा नहीं हुए हाँ। तो कैसे जाएंगे? क्या बेटा डीजे कहाँ से ना पाला ही बताओ? नहरी एक सेंटर से वही निकालेंगे, बड़ा वाला फीता है। सही रहेगा, नाप ओप का अपना सब निकाल लेंगे, पता चल जाएगा ना। वो घर के पास में कोने पे इधर से आएगा तो टेम्पररी बनवाने वाले थे, उससे अच्छा यहाँ पे टैंक बनवा देंगे जो परमानेंट इस घर के लिए रहेगा। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे, लंबे अच्छे, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह हो गया, हम सभी लोग उठ गए हैं और कैसे जैसे धूप हो रहा है ना दोस्तों, क्या बताएं, इतना गर्मी, इतना गर्मी। हां हां, मच्छी खेल रहे हैं, अभी मच्छी के लिए जल्दी जल्दी खाना बना रही हूं, उसके बाद बना के कपड़ा धोऊंगी सारा, यहां फिर नहाएंगे। मुझे पता ना मिल लगा था, ये मिल लगा था आपको, पत्ता कल खाई थी। बोलो हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, बोलो कैसे हैं? ये भी गिर गया। अच्छा ये भी गिर गया, ये लीची गिर गया मानसी का, लो रख दो, पास है रख दो कहीं, अपना अपने जहाँ रखते हो अपना खिलौना वहाँ रखो। तो चलिए आप सब बने रहे हमारे साथ, और अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये बन रहा है, इसको आप लोग बताइए क्या कहते हैं, हम लोग तो तिरोई बोलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर, ये तोरी नहीं है, तिरोई बोलते हैं, जैसे घेवड़ा होता है ना वो नहीं, इतना ही बड़ा है, ये इतना ही बड़ा होता है, और ये भी काफी अच्छा लगता है ये भी। तो आप लोग बताइएगा, वैसे हम तो तोरी बोलते हैं। साग, साग भी ला देंगे बेटा शाम को, मार्केट लगेगा अपने यहाँ, तो मार्केट में जाएंगे हम और आप ले आएंगे साग, ओके। अब बोलो 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 बोलो, हम नहीं बोले। पापा तो अभी मानसी को खाना खिला रहे थे अपने हाथों से, नहीं खा रही है, खा लो मामा कपड़ा धो रही है, डेली डेली खिलाई थी रवा, तो हमारी इतनी नंद कैसे से पड़ी, अब इतना कपड़ा भी आने से धो रहे हैं दोस्तों, अभी दो बाकी और बचा, लो खा लो बेटा, लो लो पापा से खा लो, लो ले लो ले लो ले लो। बहुत ज़्यादा कपड़ा धो रहे थे दोस्तों, और दिन का अभी कम से कम बज चुका है ढाई ढाई तीन बज रहा हो ना, और सारा काजल ने कपड़ा धो लिया, बाकी मैंने भी हेल्प कराया, मानसी भी हेल्प कराई है, और सारे लोग मिल गए, चलो पसार दे जा। बुपरी 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 बेटा, अपना कपड़ा धो रही हो? अच्छा पैंट धो रही हो? दोस्तों मानसी ब्रश मार के कपड़ा धो रही है अपना। मम्मी धो के चली गई तो ये अपना पैंट एक पतला कहाँ से लाई है, अरे कहाँ से ले लिया काजल। धो लो धो लो, प्यार से धो रही है। चलिए बाल्टी इधर लेके आए हैं कपड़ा, और ला इधर सारा बेडशीट धोए हैं दोस्तों, उसको मोलो बा चाहिए, धो लो, बहुत तगड़ा धूप है दोस्तों, लेकिन हवा चल रहा है बाहर में ठंडा ठंडा है ना, खाली पानी में रहा था। दोस्तों देखिए अभी मानसी का साइकिल धुला रहा है, जब मैं अपना धो रहा था तो मानसी कह रही है कि मेरा भी साइकिल धो दो पापा, जो ये पता नहीं क्या कर रही है बेटा, आपका साइकिल धुल रहा है देखो, धूल ऐसा लग रहा है कि मैं धोने वाले हैं। तो दोस्तों हम मानसी यहाँ बैठे हैं, और उधर ना जंगल में कोयल कुकू कुकू बोल रही है, और मानसी बोल रही है कि बेरबाल में जो ही दे दे डाल देती है ना, अरे लल्ला चींटी काट लिया, चींटी काट लिया, हाँ। जाने दो मैं चींटी को मारूंगी, सब साफ करूंगी, का कर दे लो चींटी। वो अपना साइकिल धो रही है, अपन साइकिल धोता नहीं, एक आदमी उधर लगा ले पड़ी क्या बेटा, गमछा लेके आइए साइकिल को पोछने के लिए, बाप अभी नहीं पोछोगी, हाँ ये पहले धोने दो फिर ठीक है। क्या बेटा डीजे ओढ़ी हुई हो, क्यों आपको ठंडी लग रही है? तो गाड़ी वगैरह धोला धोल दी धो दी है,
और अभी काजल लगा रही है बेड, और चलिए हम चलते हैं नहाने, और नहा धोकर चलना है बड़े पापा के पास। बड़े पापा को लेके आएंगे क्योंकि ज़्यादा आ नहीं रहे आजकल, है ना, और उनसे बहुत सारा काम है, कुछ पूछना है हमें मिट्टी में। सोनू भैया के साथ साइकिल धो रही है अपना और इनका, दोनों लोग धो। गलत बात है, बेड बेड गंदा होता है, इसलिए मम्मा काम करते करते परेशान हो जाते हैं, इसलिए पैर धो के आना चाहिए। आ जा पैर धो लो, चलो धुलते हैं, चलो चलो चलो, अच्छे से रहते, देखो कितना तो हमने नहा लिया है फाइनली। और ये पता ना पहले गर्दन में भी था, लेकिन अब गर्दन में सही हो गया है, लेकिन यहाँ पे है, हो गया है। तो चलिए होम्योपैथिक से दिखाएंगे। और अभी फिलहाल मैं काजल देख रही है टीवी, कृष्णा जी का भक्ति देख रही है, कृष्ण जी का। तो चलिए अभी चलते हैं बड़े पापा को लेने, देखते हैं कहाँ पे हैं, अभी उनको भी ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो एक घर पे नहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। गुड मॉर्निंग, और ये है दोस्तों नेक्स्ट डे, और अभी सुबह सुबह हो गया है, मैं सुबह से उठ के कहीं चला गया था। और काजल अभी देख सकते हैं पूरा, ये कल कपड़ा जो धोई थी ये सूख गया है, और ये आज धो रही, आज धो के लाई है भाई, आज धो लो भाई। अच्छा आज पसा रही। और मानसी बेटा इधर आ, क्या बेटा, मानसी भी मम्मी का हेल्प करा रही थी बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अभी बड़े पापा के पास गए थे, आ रहे हैं, और यहाँ पे ना जैसे कि देखेंगे हम लोग क्या डिसाइड किया, वो आप लोगों को अभी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। पहले आने दीजिए फिर बताएंगे। क्या बेटा, आपका कपड़ा धुला है? ठीक है, बड़े पापा भी आए हैं, इधर से उधर तक, मतलब कहाँ तक सरकारी है नहर का, वही निकालेंगे। बड़ा वाला फीता सही रहेगा, नाप उप का अपना सब निकाल लेंगे, पता चल जाएगा ना, सरकारी में बनाएंगे तो दिक्कत है, इसलिए सरकारी को पहले छाड़ दो। कहाँ से नेपाल है इसे ना, कहाँ से नेपाल है ये बताओ, नहरी एक सेंटर से तो जाते नहीं हम लोग। हाँ तो वह ठीक रहे, तो यहाँ सूता पान के इधर ठेंगा मार दे देना, अच्छा हो जाए, चलो अब धूप में अब अच्छा है ना, तभी नापी हो गया, नाप लिए, अब कहते कहाँ जा रही है। और अभी शाम हो गया दोस्तों, बहुत ही मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, हालांकि धूप है लेकिन शाम का धूप थोड़ा कम लग रहा है, जो लंच में धूप लग रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और आप सबको एक चीज़ बताने वाला है कि हमारा लेटरिन, जैसे हम बोले थे कि हम टॉयलेट ना वहाँ पे बनवाने वाले हैं, वो घर के पास में कोने पे, इधर से आएगा तो टेम्प्रोरी बनवाने वाले थे, लेकिन बड़े पापा ने बोला कि देखो वहाँ पे टेम्प्रोरी बनाओगे तो ईंट का टैंक तो नीचे भी ईंट लगाना ही पड़ेगा, और उससे बढ़िया ये है कि यहाँ पर इस घर के लिए, जैसे आप लोग भी बताए थे कि नए वाले घर पर बना लो, तो इस घर के लिए टैंक तो बनना ही है, टॉयलेट टैंक जो होता है तो वो तो बनना ही है, कल आज नहीं तो कल बनना ही है। तो हम सोच रहे थे जैसे दिल्ली में थे नोएडा में, तो कुछ पैसा हमारा पीएफ का जैसे मिला था, तो सोच रहे हैं कि पैसे भी ऐसे में खर्च हो जाएगा, उससे अच्छा कि यहाँ पे जहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था आप लोगों को, यहीं पे बड़े पापा नापे हैं सारा कुछ, तो यहीं पर तो यहाँ पर टैंक बन जाएगा इस घर के लिए, और फिलहाल में हम उसी टॉयलेट से इसको भी यूज कर सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा क्योंकि फिलहाल में अपना पाइप ही कनेक्शन तो करना होगा, लेकिन ये टैंक परमानेंटली बन जाएगा ना, तो सही रहेगा, और नहीं तो वहाँ टेम्प्रोरी लाइटिंग बनवाओ, टैंक बनवाओ, तो सब कुछ बनवाना पड़ेगा, उससे अच्छा यहाँ पे टैंक बनवा देंगे जो परमानेंट इस घर के लिए रहेगा, और टेम्प्रोरी टॉयलेट जो बैठाना होगा हम कहीं भी बैठा सकते हैं, उसका पाइप कनेक्शन कर देंगे। और एक और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मतलब कि कैसे आप लोग इस नए वाले घर का टॉयलेट बनवा लो, तो इसमें अभी इसलिए नहीं बनवा सकते ना क्योंकि बारिश आएगा तो ये पूरा पानी पानी भर जाएगा, ये तो इधर आने का रास्ता ही बंद हो जाएगा हमारा इस घर में, पूरा वहाँ तक पानी जाता, आप लोग देखे होंगे हमारा पिछले साल देखे थे, ये आधा घर डूब जाता है, तो टैंक तो रहेगा तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसका टॉयलेट चालू कराते हैं तो इधर आने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग सोचे कि टैंक बनवा देते हैं इस घर का और टेम्प्रोरी कनेक्शन करवा लेंगे, जो टेम्प्रोरी टॉयलेट बनवाएंगे, और जब इसका टॉयलेट बनेगा, जब ये इसमें मतलब फिनिशिंग होगा, तब उसको कनेक्ट करवा देंगे, वहाँ से हटवा देंगे। और दूसरी बात ये रहा कि इतना अभी पैसे हमारे पास नहीं है जिससे कि इसमें मिट्टी डलवा सकें, क्योंकि इसमें मिट्टी जो डलेगा ना वो कम से कम 200-250 टाली लग ही जाएगा यहाँ से वहाँ तक। हाँ पिछले साल हम डलवाए थे मिट्टी, तो वहाँ पे 280 रुपये दिए थे, 260 रुपये
सॉरी 260 दिए थे शायद, 300 नहीं 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 260 दिए थे, प्लस में मटन वटन खिला दिए थे। तो वो तो अपनी खुशी की बात है, चलिए ठीक है। तो यही सोचे हैं कि आप लोग को बताना कैसा लगा, क्योंकि अभी मिट्टी डलवाने तक का उतना ज़्यादा पैसे नहीं है ना, क्योंकि मिट्टी डलवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसलिए हम सोचे पहले टैंक ही बनवा लें ताकि हमारा पैसे कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट हो, है ना, अच्छे जगह लगाएंगे ताकि वो फ्यूचर में भी काम आएगा। तो यही चीज़ हम सोचे हैं, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, आज से करीब एक सप्ताह बाद से काम लगेगा। इसलिए क्योंकि बड़े पापा ना कल कहीं जाने वाले हैं, तो वो बोले कि अगले सप्ताह से काम करा देंगे, चालू कर देंगे, मतलब टैंक बनाना, नहीं तो आप करा सकते हो तो करा लेना। तो हम बोले कि नहीं, हम उतना हमें जानकारी नहीं है कैसे तो क्या होता है। तो जिंदगी भर का बात है टैंक, हाँ कुछ दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से हम बोले कि नहीं आप आइए तभी बनवाएंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी, और आप सबका और भी कोई कमेंट होगा तो ज़रूर बताइएगा, मतलब और कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, और बकरियाँ वगैरह चल रही है, मानसी उस वाले घर पे गई है, और ये देखिए ये इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, और भी बड़ा होगा ये, और जैसे पानी जब आता है तभी बड़ा होता है। अब इधर पानी पूरा लग जाएगा इधर गड्ढे में, वहाँ से मिट्टी काट के उसमें डाला हुआ था। और उससे पहले लेकिन हम अपना वो जो है ना कल बोलते हैं, नल बोलते हैं, उसको सही कराएंगे, है ना। सड़ गया, तो वो चीज़ सही करवाएंगे हम लोग, देखिए कब कराते हैं आजकल में, क्योंकि पहले जहाँ रह रहे हैं उसको सही करा कर चलेंगे तब। तो अभी उतना पैसा हमारे पास नहीं है कि इस घर में हाथ लगवा सके, है ना। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, और मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, बाय।